हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कई बार हम अपने नमकीन के पैकेट, चिप्स, कुरकुरे हो गए, जैसे कई तरह के पैकेट हो गए, तो उन्हें ऊपर से खोल देते हैं या तो पूरा ही काट लेते हैं। तो हम उन पर कई बार रबड़ लगा लेते हैं, लेकिन वो कितना मुश्किल होता है देखिए उसे निकालना। फिर तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे फोल्ड करें और ऊपर से कपड़े के दो क्लिप लगा लें। तो है ना, ये बिल्कुल आसान सा तरीका। मेरा अगला हैक्स क्रीम को लेकर है। जब हमारी क्रीम आधी हो जाती है तो हमने उसे अपने ऐसे दोनों हाथों से ऊपर दबा लेना है और फिर कपड़े के क्लिप को ऐसे ऊपर से लगा लेना है। ये ट्रिक हम अपने टूथपेस्ट पे भी कर सकते हैं। मेरा अगला हैक्स मोबाइल चार्जर केबल को लेकर है। हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, जितना छोटा करना है उतना कर सकते हैं, और फिर कपड़े के क्लिप को ऐसे हमने इस पर लगा लेना है। हम कभी सफ़र पे निकलते हैं तो अपने मोबाइल केबल को ऐसे ही कहीं भी डाल देते हैं, लेकिन अच्छे से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जल्दी भी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। मेरा अगला हैक्स भी क्लिप को लेके ही है। हमने दो क्लिप को ऐसे आपस में जॉइंट कर लेना है। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे हमें जॉइंट कर लेना है और फिर हम अपना ईयरफोन इसमें अच्छे से पैक करेंगे। तो देखिए मैं कैसे पैक करने जा रही हूँ। हमने इसको पीछे से ऐसे खोल के इसमें ऐसे डाल लेना है और फिर लपेट लेना है और फिर आगे वाले हिस्से को भी इसमें ऐसे डाल लेना है। ये सफ़र के लिए एक बढ़िया तरीका है, तो आप भी ये ज़रूर करके देखना। अगले हैक्स के लिए हमें क्लॉथ हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी और क्लॉथ क्लिप की। तो देखिए, मेरी क्लिप जो है उनमें छेद नहीं है, तो बिना छेद के हमारा ये काम तो नहीं बनना था। तो मैंने क्या किया कि इसमें छेद कर लिया। मैंने एक ही साइड में छेद किया है। मेरे पास लोहे की एक लंबी स्टिक थी, तो मैंने उसे गैस पे गर्म किया और ऐसे फिर छेद कर दिया। तो आपको भी वैसे ही करना है, आप कील से भी कर सकते हैं। हमने अपने क्लिप में दोनों साइड छेद नहीं करना है, एक साइड छेद करने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने एक साइड छेद कर लिया है। तो चलिए अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। हो सकता है कि आपके क्लॉथ क्लिप में पहले से ही छेद हो। अब हमें धागा चाहिए। मैंने यहाँ पे डबल धागे का यूज़ किया है, आप चाहे तो सिंगल धागे का यूज़ भी कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे धागे को काट कर उसे ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे फोल्ड करके उस छेद में डाल लेना है। तो देखिए, मैंने धागे को डाल लिया है। अब हमने इस क्लॉथ क्लिप को उस हैंगर में बांध लेना है। देखिए, जैसे मैं बांध रही हूँ, हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मजबूती से बांध लेना है। मैंने यहाँ कम से कम 4-5 गांठे लगा ली है। तो देखिए, मैंने बांध लिया है। इसी तरह हमने सभी क्लिप्स को इसमें बांध देना है और जो एक्स्ट्रा धागा है वो काट लेना है। अब हमारे पास जितने क्लिप्स है हमने सबको इसमें बांध देना है। मैं 5 ही क्लिप इसमें बांधने जा रही हूँ, आप चाहे जितने भी बांध सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरे इसमें बांध लिए हैं। जैसे ठंडी में धूप नहीं निकलती है और कई बार बारिश होती है, तो हम अपने छोटे मोटे कपड़े जैसे अपनी सॉक्स, रुमाल और भी कई तरह के कपड़े इसमें हैंग कर सकते हैं और फैन के नीचे उन्हें सूखने के लिए डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें अपने कपड़े हैंग कर लिए हैं। अब मैंने इसको फ़ैन के नीचे ऐसे टांग दिया है। मैंने यहाँ पर बर्तन धोने का हार्ड वाला स्पंज लिया है और उसे फोल्ड करके ऐसे क्लिप से हैंग कर लिया है। आप इससे खिड़की, दरवाज़ा, किचन की टाइल्स और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से गंदगी निकालता है। आप यूज़ करके पक्का देखना। देखिए, मैं भी कैसे साफ़ कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही साफ़ करना है। अब देखिए, मैं इसे चेयर को साफ़ कर रही हूँ और चेयर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो रही है। तो आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे दरवाजे और खिड़कियों पर धूल जम जाती है, तो वो भी इसे आसानी से निकल जाएगी। तो आप इसे कई जगहों पर यूज़ कर सकते हो। दूसरे हैक के लिए हमें 2 चम्मच चाहिए और 1 कपड़ों का क्लिप। हमने क्लिप को चम्मच पे ऐसे रखना है और 2 रबड़ लेने हैं और ऐसे फिर इसको लपेट लेना है।
दो रबर लेने से ये होगा कि अच्छे से ये मजबूत बना रहेगा, और दूसरी साइड से भी हमें चम्मच को ऐसे ही अच्छे से पैक कर लेना है और फिर रबड़ से लपेट लेना है। आप चाहे तो यहाँ रबड़ की जगह पे धागा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बनके रेडी हो चुका है। अब हमने इसका करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम कई चीज़ें उबाल कर रखते हैं तो वो गर्म होती है, तो हम ऐसे उन्हें निकाल सकते हैं। जैसे अंडा हो गया, कई तरह की और सब्जियाँ हो गई, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। गर्म बर्तन के ढक्कन भी उठा सकते हैं। मेरा अगला हैक्स है ब्रश को लेके। आप इसमें ब्रश को वैसे हैंग करके रख सकते हैं और जब यूज़ करना हो तो निकाल सकते हैं और फिर इसमें दोबारा से रख सकते हैं। अगला हैक भी मेरा स्पंज को लेकर है। आप किचन स्पंज को इसमें ऐसे हैक करके भी रख सकते हैं, निकाल कर यूज़ करने के बाद आप दोबारा फिर इसी में रख सकते हैं। अगला हैक्स मेरा बुक्स को लेके हैं। हमारे बच्चे अक्सर ऐसे ऊपर से पेज को फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कपड़े के क्लिप का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, हम कपड़े के क्लिप को तीन चार जगह पे लगा सकते हैं अगर बुक बड़ी है तो। ये तो बच्चों के ऊपर है कि उन्हें कितनी जगह पे क्लिप लगाने की ज़रूरत है। अगर एक जगह पे क्लिप लगाने की ज़रूरत है तो एक ही जगह पे लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।